नमस्कार, दिनभर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी, पीएम ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए क्या कहा खास, यूपी में कैसे योगी के आगे बीजेपी ने मारी हार, जानेंगे खट्टर सरकार से क्यों नाराज हुए किसान, बंगाल में हार के बाद बीजेपी में क्यों छिड़ी है रार, और बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ती दरार की, और बुलेटिन के आखिर में बात सरकार की निजीकरण नीति की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पंजाब में 15 जून तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, इस बार के लॉकडाउन में छूट का दायरा भी बढ़ा, शाम 6 बजे तक खुल सकेंगी दुकानें। पश्चिम बंगाल में भी रद्द हुई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, ममता बनर्जी ने किया ऐलान, महामारी को देखते हुए छात्रों के हित में उठाया कदम, कई राज्य पहले ही रद्द कर चुके हैं बोर्ड की परीक्षाएं। भारत के श्रीलंका दौरे का कार्यक्रम आया सामने, 13 से 25 जून के बीच खेली जाएगी वनडे और T20 सीरीज, श्रीलंका में 3 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगी टीम इंडिया। और सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार में रही तेजी, सेंसेक्स 228 अंकों की तेजी के साथ 52,329 पर हुआ बंद, निफ्टी में आया 81 अंकों का उछाल, 15,752 अंक पर बंद हुआ निफ्टी। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। वैक्सीनेशन का काम राज्यों के हवाले किए जाने के बाद से ही मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। विपक्ष के साथ देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए थे। कोर्ट का सवाल था कि हर राज्य बराबर कैसे, सरकार पर दबाव बढ़ा तो उसे अपनी नीति बदलने को मजबूर होना पड़ा है। इसे लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, तो क्या कहा पीएम ने, देखिए ये रिपोर्ट। 1 मई से वैक्सीनेशन का काम मोदी सरकार ने राज्यों के हवाले कर दिया था। सरकार के इस फैसले के बाद से ही आर्थिक रूप से कमजोर राज्य परेशान दिखाई देने लगे थे। सबसे पहली आवाज झारखंड से उठी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उनके राज्य के पास पैसे नहीं हैं जो वैक्सीन खरीद सके, इसीलिए केंद्र ही वैक्सीन खरीद की जिम्मेदारी ले। वैक्सीन की 3 कीमतें भी राज्यों की परेशानी का कारण बनी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तो सरकार से वैक्सीन खरीद का पूरा हिसाब किताब मांग लिया था। चारों ओर से घिरी सरकार को देख आज पीएम मोदी खुद सामने आए और राष्ट्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 1 मई से पहले वैक्सीनेशन की जो नीति थी उसे 21 जून से फिर से लागू कर दिया जाएगा, यानी कि वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी अब केंद्र ही उठाएगा। देश में जितनी वैक्सीन तैयार होगी उसका 75% केंद्र सरकार खरीदेगी और राज्यों को मुफ्त में उपलब्ध कराएगी, जबकि 25% वैक्सीन निजी अस्पतालों को उपलब्ध होगी। निजी अस्पताल वैक्सीन की कुल कीमत के अलावा 150 रुपए सर्विस चार्ज ले सकेंगे। सरकार अब इसके लिए नए सिरे से गाइडलाइन तैयार करेगी, जिसे राज्य सरकारों के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। वैक्सीनेशन के काम को राज्य सरकारों के हवाले किए जाने के अपने फैसले का बचाव करते हुए पीएम ने कहा कि ये फैसला राज्यों की मांग पर ही लिया गया था, लेकिन अब राज्य ही चाहते हैं कि केंद्र की वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चलाएं, तो हमने राज्यों की ही मांग पर इस काम को पूरी तरह अपने हाथ में ले लिया है, यानी अब 18 से 44 उम्र के लोगों को भी फ्री में वैक्सीन उपलब्ध होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है, उस योजना को दीपावली तक के लिए बढ़ा दिया है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। महामारी से पूरा देश परेशान है, इसे लेकर जमकर सियासत भी छिड़ी हुई है। सियासत बीजेपी के अंदर भी चल रही है। यूपी में पीएम मोदी और सीएम योगी आमने सामने हैं। पीएम ने अपनी पसंद का अधिकारी यूपी भेजा कि योगी उसे सम्मान देंगे, मंत्री बनाएंगे, महत्वपूर्ण विभाग देंगे, लेकिन योगी ने पीएम की बात नहीं मानी। साथ ही संकेत दे दिए कि दबाव बनाया गया तो बीजेपी का ही नुकसान होगा। तो क्या बीजेपी के लिए यूपी में मोदी से ज्यादा जरूरी हो गए हैं योगी, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी में मोदी शाह युग की शुरुआत के बाद पार्टी में सिर्फ वही हुआ जो इन दोनों नेताओं ने चाहा। राज्यों के लगभग सभी चुनाव बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ी और रणनीति बनाने की जिम्मेदारी अमित शाह ने संभाली, पहले बीजेपी अध्यक्ष के रूप में और जब वो देश के गृह मंत्री बने तब भी पार्टी के फैसलों को वो प्रभावित करते रहे। किस राज्य में सत्ता मिलने पर किसे सीएम बनाया जाएगा, ये बीजेपी विधायक नहीं बल्कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व यानी मोदी शाह की जोड़ी तय करती थी। लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में हार के बाद से बीजेपी में बहुत कुछ बदल चुका है। इसका नजारा यूपी में दिखाई दे रहा है। यूपी में 1 सप्ताह से बीजेपी में हलचल मची हुई है। पहले बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष 3 दिन लखनऊ में बैठक लेते रहे। यूपी बीजेपी प्रभारी राधामोहन सिंह राज्यपाल से मिलने पहुंचे तो उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं थे।
पीएम मोदी ने अपने बेहद करीबी आईएएस अधिकारी एके शर्मा का इस्तीफा कराकर यूपी भेजा और उन्हें यूपी से एमएलसी भी बनवाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री नहीं बनाया। मामला फंस गया था मंत्रालय को लेकर। योगी एके शर्मा को ज्यादा महत्व देने को तैयार नहीं थे और एके शर्मा कम महत्वपूर्ण विभाग लेने को तैयार नहीं थे। केंद्रीय नेतृत्व ने दबाव डाला तो योगी लखनऊ से गोरखपुर चले गए। योगी के गोरखपुर पहुंचते ही पूरी बीजेपी में हलचल मच गई। दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हुआ और बाद में योगी आदित्यनाथ की सभी मांगे मान ली गयी। एके शर्मा को योगी मंत्री नहीं बनाना चाहते थे, पीएम चाहते थे कि एके शर्मा मंत्री बने, लेकिन चली योगी की और अब साफ हो गया है यूपी में अब मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, यानी एके शर्मा मंत्री नहीं बनाए जाएंगे। लगभग हर चुनाव मोदी के नाम पर लड़ने वाली बीजेपी यूपी चुनाव योगी के चेहरे पर लड़ेगी, यानी योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम पद का उम्मीदवार भी घोषित किया जाएगा। अधिकांश विधायकों की टिकट भी मुश्किल में है। कहा जा रहा है कि विधायकों की क्षेत्र में लोकप्रियता और उनका काम देखकर टिकट दिया जाएगा। इसे योगी विरोधियों को ठिकाने लगाने की रणनीति बताई जा रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि यूपी में उसके लिए योगी मोदी से ज्यादा जरूरी है। यूपी में बीजेपी ने स्वीकार कर लिया है कि चुनाव में तो योगी ही कहना होगा। चुनावों के बाद यदि यूपी में हार मिलती है तो योगी को किनारे लगाया जा सकता है। योगी को किनारे लगाने में बीजेपी भले ही सफल हो, लेकिन किसानों को किनारे लगाने की सभी कोशिशें फेल हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने किसानों के आंदोलन को लेकर क्या क्या जतन नहीं किए, लेकिन किसान अड़े थे, अड़े हैं और अड़े रहने का संकेत दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ने किसान नेताओं पर कार्रवाई की तो अब खट्टर को पसीने आ रहे हैं। तो किसानों के किस कदम से छूटे खट्टर सरकार के पसीने, देखिए ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा जोर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। यूपी के पंचायत चुनावों में इसका असर दिख चुका है। पंजाब में जब निकाय चुनाव हुए थे तो किसानों ने बीजेपी को प्रचार तक नहीं करने दिया था और हरियाणा के पंचायत चुनाव इसी कारण नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि खट्टर सरकार को हार का डर दिख रहा है। किसान खट्टर सरकार की परेशानी बन चुके हैं। खट्टर की दिक्कत ये है कि किसानों की शिकायत केंद्र सरकार से है और खट्टर उसी पार्टी से विधायक और फिर मुख्यमंत्री बने जिस दल की सरकार दिल्ली में है और जिसने नया कृषि कानून लागू किया है। यानी मोदी सरकार का गुस्सा खट्टर सरकार पर भी किसान निकाल रहे हैं। किसानों के निशाने पर बीजेपी का हर नेता है। हरियाणा में सत्ताधारी विधायक की टिप्पणी से शुरू हुई लड़ाई के बाद खट्टर सरकार एक बार फिर किसानों के निशाने पर आ गई है। मामला जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली के किसानों को लेकर विवादित बयान से जुड़ा हुआ है। विवादित बयान के बाद गुस्साए किसानों ने विधायक देवेंद्र सिंह बबली के आवास का घेराव करने की कोशिश की। पुलिस ने इस मामले में दो किसान विकास सिसार और रवि आजाद को गिरफ्तार किया, लेकिन इससे किसानों का गुस्सा अब सड़क पर दिखाई देने लगा है। किसान नेता चढ़ूनी राकेश टिकैत योगेंद्र यादव के नेतृत्व में किसानों ने टोहाना पुलिस स्टेशन के सामने ही टेंट लगाकर धरना शुरू कर दिया है। टिकैत ने कहा कि जब तक साथी किसानों को रिहा नहीं किया जाता तब तक प्रदर्शनकारी किसान यहां से नहीं हटेंगे। किसानों के गुस्से को देखते हुए विधायक बबली ने अपने बयान को लेकर माफी मांग ली। विधायक और किसान के बीच सुलह हो गई, लेकिन किसानों पर दर्ज मामले वापस नहीं लिए गए। टोहाना कोर्ट ने भी दोनों किसानों रवि आजाद और विकास सिसार की जमानत मंजूर कर ली। जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद ये नेता रिहा कर दिए जाएंगे। किसानों ने बीजेपी के पसीने छुड़ा रखे हैं। वैसे पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी के पसीने छूटे हुए हैं। विधानसभा चुनावों में मिली हार के बाद से ही पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की लाइन लग गई है। कई बड़े नाम पार्टी छोड़ने की तैयारी में हैं। रही सही कसर पार्टी के अंदर छिड़ी बगावत ने पूरी कर दी है। बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सोचा था कि वो ममता के करीबियों को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर जनता का दिल जीतने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन नतीजा उससे बिल्कुल उलट आया। न तो बीजेपी जनता का दिल जीत पाई और न ही अपने नेताओं का। टीएमसी से बीजेपी में आए नेता अब उसके लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। आलम यह है कि बंगाल में दो बीजेपी नजर आ रही है, जिसमें एक तरफ दिलीप घोष हैं और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी। दरअसल बीजेपी विधायकों के मुताबिक उनके जमीनी कार्यकर्ता अब पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। बीजेपी के पुराने लोग भी शुभेंदु अधिकारी और तृणमूल से आए नेताओं के रवैये से खुश नहीं हैं। बंगाल बीजेपी के एक उपाध्यक्ष का कहना है कि यही हाल रहा तो वो सब घर बैठ जाएंगे। वहीं बीजेपी की महिला विधायक का कहना है कि हारने के बाद स्थिति खराब हो गई है। इतना ही नहीं, पार्टी विधायकों का कहना है कि तृणमूल से आए 5-6 विधायक ही चुनाव जीते हैं। शुभेंदु अधिकारी के नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर भी पुराने नेताओं को आपत्ति है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए किसी पुराने बीजेपी नेता की बजाय शुभेंदु को क्यों चुना गया। इस सवाल ने बीजेपी की कलह को सियासी सतह पर ला दिया है।
जिसका जवाब आला कमान नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए बीजेपी में बगावत का दौर तेज होता जा रहा है। वहीं साफ है कि शुभेंदु अधिकारी मोदी और शाह के लिए बड़ी परेशानी बन गए हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अंदर ही रार छिड़ी है तो बिहार में बीजेपी और जेडीयू में तलखी साफ साफ देखी जा रही है। पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों के बयान से शुरू हुई ये तकरार लगातार तीखी होती जा रही है। इस बीच जेडीयू ने अपना पुराना मुद्दा पिटारे से निकाल दिया है, जिससे बीजेपी का परेशान होना तय माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग लंबे वक्त से उठाई जा रही है। यही मांग जेडीयू और बीजेपी के बीच तल्खियों की वजह भी बनती है, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा से ही केंद्र के दबाव में शांत बैठ जाते हैं। मगर जैसे ही नीति आयोग ने विकास के लक्ष्यों को लेकर अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें बिहार को सबसे निचले पायदान पर रखा गया, वैसे ही सियासत में बवाल मच गया। विपक्षी दल नीतीश सरकार को घेरने लगे, जिसके बाद सरकार विशेष राज्य के दर्जे को बहाना बनाकर केंद्र पर ठीकरा फोड़ने लगी। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने कहा कि बिहार के बंटवारे के बाद पहले से पिछड़ा राज्य और पिछड़ता चला गया। बंटवारे के बाद उद्योग, खनिज संपदा, पावर प्रोजेक्ट झारखंड को मिल गया, जिसका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ा। इसीलिए विशेष राज्य के दर्जे से ही बिहार का विकास संभव है। वहीं कुशवाहा ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने ट्वीट में लिखा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपने कुशल प्रबंधन से बिहार में विकास की गति देने में लगी है, लेकिन वर्तमान दर पर अन्य राज्यों की बराबरी संभव नहीं है। वहीं कुशवाहा की इस मांग को हम नेता जीतन राम मांझी का भी साथ मिल गया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कम संसाधनों के बावजूद नीतीश कुमार ने बिहार के बदतर कानून व्यवस्था और बेहाल शिक्षा महकमे को दुरुस्त करने में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जहां एक तरफ मांझी ने नीतीश का बचाव किया तो दूसरी तरफ विपक्ष लगातार उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है। आरजेडी का कहना है कि नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में है, तभी सूबे को दर्जा नहीं दिला पा रहे हैं। अब नेताओं के बयान से साफ है कि विशेष राज्य एक बार फिर बिहार की राजनीति का केंद्र बन गया है। बिहार में विशेष राज्य के दर्जे की मांग नई नहीं है। नीतीश कुमार इस मांग को लगातार उठाते रहे हैं। मांग जंगल में रहने वाले भी कर रहे हैं कि जिस जमीन पर वो लंबे समय से रह रहे हैं उन्हें वहां रहने दिया जाए। जल जंगल जमीन की लड़ाई बहुत पुरानी है। जंगल में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनके पास जमीन के कागज नहीं होते, जिस कारण वो जमीन के मालिकाना हक को साबित नहीं कर पाते, और जंगल की जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। दो साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने जंगल में निवास करने वाले 16 राज्यों के 11,08,000 लोगों को जंगल की जमीन से बेदखल करने का आदेश दिया था। इतनी बड़ी आबादी का मामला था, जिस कारण से कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद ही इस मामले में राजनीति शुरू हो गई। आरोप केंद्र सरकार पर लगे थे कि उसने कोर्ट में जंगल में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के लोगों का पक्ष सही तरीके से नहीं रखा। केंद्र सरकार बैकफुट पर आई तो उसने फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने अपने ही आदेश पर बाद में रोक लगा दी और लाखों लोग अपने ही घर से बेदखल होने से बच गए। लेकिन अब कोर्ट ने एक नया आदेश दिया है। फरीदाबाद के जंगलों में वर्षों से रह रहे 10,000 से अधिक लोगों को जंगल की जमीन खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। मामला फरीदाबाद जिले के खोरी गाँव के जंगल की जमीन का है। यहाँ वर्षों से लोग निवास कर रहे हैं और सरकार इन्हें अवैध कब्जाधारी मानती है। सरकार की ओर से इस जमीन को खाली कराने की कोशिश भी की गई, लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों के जबरदस्त विरोध के कारण हर बार सरकार को अपने कदम पीछे ही खींचने पड़े हैं। जंगल में रहने वाले कई लोगों का कहना है कि वो पीढ़ियों से यहाँ रह रहे हैं, कभी भी जमीन के कागजात की जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन अब अचानक जमीन के कागज मांगे जा रहे हैं। कुछ लोगों ने जमीन खरीदी के कागज भी दिखाए, लेकिन प्रशासन ने इन्हें स्वीकार नहीं किया। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और जाहिर सी बात है कि कागजी सबूत सरकार के पक्ष में ही है, और सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के आधार पर प्रशासन से जंगल की जमीन को खाली कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने इतना भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ती है तो पुलिस का इस्तेमाल भी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जंगल की जमीन को लेकर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इस संबंध में हाई कोर्ट की ओर से पहले ही आदेश दिया जा चुका है। और बुलेटिन के आखिर में बात बैंकों के निजीकरण की। महामारी के दौर के बीच सरकार यदि किसी एक योजना से पीछे नहीं हट रही है तो वो है निजीकरण की योजना। सब कुछ बेचने के इरादे से निकली मोदी सरकार अब दो और बैंकों के निजीकरण की तैयारी में है, जिन बैंकों को उद्योगपतियों के हवाले किया जाएगा। इनके नामों को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है। अब इस पर सरकार को फैसला लेना है कि कब इन्हें बेचने का ऐलान करना है। तो कौन से बैंक होंगे निजी कंपनियों के हवाले, देखिए ये रिपोर्ट।
केंद्र सरकार बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया को और तेज करने की तैयारी में है। सरकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। नीति आयोग ने भी इसके लिए इन बैंकों की सिफारिश की है। मौजूदा शेयर प्राइस के आधार पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ओवरसीज बैंक की मार्केट वैल्यू 44,000 करोड़ रुपए है, जिसमें आईओबी का मार्केट कैप 31,641 करोड़ रुपए का है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग के प्रस्ताव पर अभी विनिवेश और फाइनेंशियल सर्विसेज में विचार किया जा रहा है। नीति आयोग की ओर से दो बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है। नीति आयोग को निजीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक बीमा कंपनी का नाम चुनने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल का बजट पेश करते हुए सरकार के निजीकरण का एजेंडा पहले ही साफ कर दिया था। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सचिवों की कोर समिति की ओर से यदि इन बैंकों के नामों को मंजूरी मिल जाती है तो फिर इसे मंत्रिमंडल के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सरकार की ओर से बजट के दौरान वित्तीय संस्थानों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहा था कि जिन बैंकों का निजीकरण किया जाएगा उनके कर्मचारियों के हितों की हिफाजत की जाएगी, उनके वेतन की बात हो अथवा पेंशन, सभी का ध्यान रखा जाएगा। निजीकरण के पीछे के तर्क पर उन्होंने कहा कि देश में भारतीय स्टेट बैंक जैसे बड़े बैंकों की आवश्यकता है, छोटे बैंकों की नहीं। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।